वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। एक स्टूडेंट्स ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है वो कमेंट, इसलिए मैं उसी कमेंट पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सर, हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हमको टाइम बस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही सारा टाइम निकल जा रहा है, हम क्या करें। इसी टॉपिक पे मैं ये पूरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एंड तक देखिए और इसी पे हम एक वीडियो हम बनाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, लाजमी बात है कि आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट और कंटिन्यू होते हैं, मॉर्निंग 9 या 8:30 से लेके 3:30 या 4 o'clock तक, और उसके बाद कुछ स्कूल्स में स्पेशल क्लासेस भी होते हैं और हर सब्जेक्ट के टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और अपने सब्जेक्ट का होमवर्क भी देते हैं या कुछ याद करने के लिए भी देते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि ऑल सब्जेक्ट को हमको मिलता है, कभी कभी ऐसे होता है कि 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट मिलता है, 2 सब्जेक्ट में हमको नहीं मिलता। लेकिन हमको किस तरह इसको कवर करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। बट ये स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट में अगर आपको टाइम याद करने के लिए नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपके टीचर ने क्या वर्क दिया है उस वर्क को कंप्लीट कीजिए पहले। देखिए, सपोज आपके पास 6 या 7 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में होमवर्क मिल गया तो उसके लिए एक 45 मिनट्स आपको टाइम देना है, या फिजिक्स में याद करने के लिए दिए हैं उसके अंदर एक 45, मतलब बोलने का एक ये कहना चाहता हूं कि एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जरूरी है नहीं है कि कोई टीचर होमवर्क दे कोई टीचर होमवर्क ना दे, ऐसा भी कभी होता है कि ऑल होमवर्क आपको एक साथ मिल जाते हैं तो करने के लिए बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है आपको और बहुत परेशानी होती है कि हम कैसे करें, इतना सारा सब्जेक्ट है। और बहुत सारे बच्चे कंप्लेन भी करते रहते हैं कि सर हमको 1-1 बजे 2-2 बजे तक लिखना भी पड़ रहा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये उसी सूरत में होता है कि कुछ वर्क आप पेंडिंग रख लेंगे। तो सबसे पहले पेंडिंग वर्क को आपको ध्यान देना है, पेंडिंग वर्क नहीं करना है, क्योंकि पेंडिंग अगर रहेगा तो समझिए आपको टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, शुरू से आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो स्टार्टिंग से एक ही बात पे, एक ही टॉपिक पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि आपको अपडेटेड होना है, अपडेट चलना है। एक लेसन हो गया, उसके आंसर्स लिख लिए और उसके इंपॉर्टेंट आंसर्स याद कर लिए। इस तरह अगर आप चलेंगे हर सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए तो आपको टाइम भी सेफ रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको एक तरीके का एग्जाम में इंटरेस्ट भी आएगा कि हमने तो तैयारी कर ली है, हम एग्जाम अच्छी तरह लिखेंगे। और सबसे मेन बात, सब आपको टाइम टेबल नहीं बस हो रहा या टाइमिंग नहीं बस हो रही सब्जेक्ट के लिए, तो इसका रीजन ये है कि आप कंफ्यूज्ड है। मैथमेटिक्स करते हैं तो साइंस का पेंडिंग होता है, साइंस का करते हैं तो सोशल का पेंडिंग होता है, तो आप अपने टीचर्स को डिवाइड कर लिए हो। जो टीचर्स आपके साथ स्ट्रिक्ट है उन टीचर्स का वर्क पहले करते हो, अगर कोई टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे उनका पेंडिंग रखते हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी टीचर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ऑल सब्जेक्ट आपको जरूरी है, मैथमेटिक्स जितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल साइंस जितना इंपॉर्टेंट है सोशल स्टडीज भी उतना इंपॉर्टेंट है, सोशल जितना इंपॉर्टेंट है तेलुगु हिंदी भी इतना इंपॉर्टेंट। तो ऑल सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे तो 6 सब्जेक्ट आपको बराबर लिखना है एग्जाम। इसीलिए एक आप टाइम टेबल बनाइए, जैसे 1 आवर या 45 मिनट्स आप घर के आने के बाद, या मॉर्निंग आवर्स में आप जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और जल्द अगर उठेंगे तो आपको टाइम वहां पर सेफ होगा, और नाइट में थोड़ा ज्यादा टाइम आप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए आप पर डिपेंड है, क्योंकि 10:30 11 के बाद तो मैं नहीं समझता कि पढ़ना बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद आपको रेस्ट करना चाहिए। सुबह हो सका तो 5:30 या 5 o'clock को या 6 o'clock को उठकर आप पढ़ेंगे तो आराम से आपका
सिलेबस कवर होगा, आपके सब्जेक्ट भी पेंडिंग नहीं रहेंगे। डिवाइड कर लीजिए मॉर्निंग टू सब्जेक्ट, आफ्टरनून टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में डिवाइड कर लीजिए, टू पार्ट बनाइए सब्जेक्ट को, एक पार्ट टफेस्ट पार्ट, एक पार्ट इजिएस्ट पार्ट। टफेस्ट पार्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, इजिएस्ट पार्ट को कभी कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप टफेस्ट पार्ट के इजी बनाने की कोशिश करेंगे, या इजी आपको बनाना है तो आपको थोड़ा टाइम तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। इजी सब्जेक्ट आपको कभी भी आप कवर कर सकते हैं, इसके अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले एक टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए। आप लोग कहेंगे कि सर आप बना के दीजिए, देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं अगर टाइम टेबल बनाता हूं तो मेरे हिसाब से होगा, आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए। आपको कब फ्री टाइम मिल रहा है, आप स्कूल से कब आ रहे हैं, आप ट्यूशन से कब आ रहे हैं, वो सारे चीजें होते हैं, इसलिए आपका टाइम टेबल आप खुद बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ सर हमने तो बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया है, लेकिन फॉलो नहीं करते। ऐसा टाइम टेबल का क्या फायदा जो फॉलो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, एक टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल के अगर आप हिसाब से चलेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर होगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा, आपके आंसर्स भी अच्छी तरह याद रहेंगे। अगर आप टाइम टेबल के बिना पढ़ते हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपके पेंडिंग रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट आप फोकस करोगे, और वो पेंडिंग सब्जेक्ट धीरे 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 करते हुए और बर्डन बढ़ता जाएगा, और एग्जाम्स के टाइम कंफ्यूज हो जाओगे, इस सब्जेक्ट में मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से इस वीडियो के तुरंत बाद एक टाइम टेबल बना लीजिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको वर्क होता है, एक आध दिन छोड़ दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि रेगुलर आप ऑल सब्जेक्ट को दे रहे, ऐसा नहीं कि आप कभी कभी छोड़कर ऑल सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करके, जैसे आपके पास FA2 एग्जाम चल रहे हैं, FA2 के लिए कल का एग्जाम है आपका फिजिकल साइंस, तो आज पूरा कंप्लीटली फिजिकल साइंस को टाइम दीजिए, उसके बाद मैथमेटिक्स है, या पहले कल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आज पूरा पढ़े। इस तरह एक दिन अगर एग्जाम्स के दौरान या FAs के दौरान अगर आता है तो एक सब्जेक्ट आप पूरा टाइम लगा सकते हो, लेकिन हमेशा इसकी आदत नहीं बनाना चाहिए कि हमेशा एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को आप पेंडिंग रख रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम को ऑल सब्जेक्ट में प्रिपेयर होकर जाना है, ऑल सब्जेक्ट अच्छी तरह कवर करके जाना है, तभी जाकर आप अच्छी तरह एक कॉन्फिडेंस लिए आप अपना एग्जाम लिख सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ बातें थे मुझको समझ में आया जो आपको मैं बता रहा हूं, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितने हद तक फॉलो करते हो, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ डॉट मैं शायद क्लियर कराऊंगा। ये नहीं कह सकता कि सब स्टूडेंट को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं, कुछ स्टूडेंट सुनते हैं समझते हैं, कुछ स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, कुछ स्टूडेंट पॉजिटिव लेते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। कोई भी नेगेटिव कमेंट करें दो, नेगेटिव अगर आप लेते हैं तो कोई इसका मैटर मुझे नहीं करता, उस स्टूडेंट्स से भी मुझको लगाव है, क्योंकि मुझे चाहता है, चाहे वो नेगेटिविटी से क्यों ना हो, इस तभी तो मेरे वीडियोस देखता है। उम्मीद करता हूं कि माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप फोकस करेंगे,